खड़ो करो क्या सवेरे खाना खा लिया बच्चों? यस, मैंने भी अभी भी खाना खा लिया है। तो पिछली क्लास में फॉक्स ये हुआ था ना, ओके। तो आज हम बास्केट ओके ये सीखने वाले हैं। तो देखें यहाँ एक स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपने ऑल निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यू शेप में उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह आपको यू शेप में इसे कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसे ब्रॉड करना है, ओके। अंदर से भी इस तरह से। उसके बाद आपको देखिए मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ, जो मैंने कब कहाँ निकाली कैसे निकाली उस तरह ही आपको निकालना है, ओके। फर्स्ट मैंने ओवर निकाला, मशीन में से जॉइंट किया, इसके बाद में बीच वाली लाइन निकाल दूंगा, ओके। यहाँ पर देखें कि तीन लाइन से यहाँ यहाँ यहाँ, ओके। बट मैं इस साइड की या इस साइड की नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बीच की लाइन निकाल रहा हूँ। तो आपको भी वही करना है, ओके। यहाँ से ओके, यहाँ से ठीक है। तो ये हो गया दिया गया है, ठीक है। इस तरह से ओके, इस तरह से। तो आपको भी इस तरह से डिजाइन करना है, ठीक है। ठीक है, अंदर का हो गया बच्चा, अब बाहर का देखिए। ठीक है, इस तरह से ये बकेट हमारा पूरा हो गया है। और इसे थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा बकेट कितनी आसानी से हो गया है, ओके। देखिए मैंने यहाँ पर पेंसिल से थोड़ा किया है, आपको समझ में आए इसलिए मैंने इतना किया हुआ है, आप इसे देखिए, ओके। तो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपको निकालना है। ये मैंने एक ही स्टेप में करके दिखाया।
क्या है कि किस तरह से ऐड करना है। ओके तो ये थोड़ा इजी है बच्चों, आप डायरेक्टली इस बुक में बना सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बुक में भी बनाना है तो ये होने के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट बुक में भी एक बार बनाइए। ओके अब हम इसका कलर एक देखेंगे, कलर है या बोलिए। देखिए ज़्यादातर यहाँ अंदर की तरफ ब्राउन कलर दिया हुआ है, इसके बाद ज़्यादातर यहाँ पर येलो कलर, क्रीम, थोड़ा सा ब्राउनिश। ओके ब्राउन और येलो ज़्यादातर यहाँ पर मिक्स है। ओके बच्चों तो फर्स्ट आपको येलो कलर से पूरा भरना है, उसके बाद डार्क येलो कलर होता है उसे थोड़ा 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 आपको यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क येलो से आपको शेड करना है, देन यहाँ पर अंदर की तरफ आपको ब्राउन कलर से उसे शेडिंग करते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद फिनिशिंग करने के लिए ब्लैक स्केच पेन लेकर इस पूरी बॉर्डर को जहाँ पर अपने आप जब ड्रॉ करते हो ड्रॉ करते समय जहाँ जहाँ पर अपने लाइन्स निकाले हैं उस सभी की तरफ आपको क्या करना है बॉर्डर लाइन बनानी है। ओके बच्चों तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ है। अभी ये इस पेज के ऊपर ये और ये तीन टॉपिक रह गए। ओके बच्चों तो तीन टॉपिक होने के बाद इसके ऊपर हमें छोटा सा टेस्ट लेंगे। ओके तो ये फर्स्ट थ्री टॉपिक होने दो, उसके बाद कौन से टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके आपको फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको ये थ्री टॉपिक्स होने के बाद बताऊँगा। ओके बच्चों तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।